अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैदा नाहिदा खादी, आप देख रहे हैं नाज़ 24 न्यूज़। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त हम कर्नाटका बिदर डिस्ट्रिक्ट हमनाबाद में मौजूद हैं। हमारी एनआरसी टीम के स्टाफ में यहाँ पर मौजूद हूँ, मेरे साथ हमारी एनआरसी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि हमनाबाद में कल 22 अक्टूबर 2022 सैटरडे के दिन बहुत ही बड़े पैमाने पर जलसा है रहमतुल आलमीन मुनक्किद किया गया। और इस जलसे के जो चीफ गेस्ट है, यानी कि जो मेन मेहमान है यहाँ के कराने वाले, वो है ऑल इंडिया मजलिस मुस्लिमीन के सदर नकीब मिलत बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कल वो यहाँ पर जलसे में शिरकत करेंगे। और एक बात हम आपको ये भी बता दें कि ये जो जलसा किया गया है, ये है कल्याण कर्नाटका की जो इंचार्ज है रहीम साहब अब्दुल रहीम साहब यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। और उनसे हम पूछेंगे कि ये इस तालुक में क्या बात बताते हैं, जैसा कि कल जो जलसा होने वाला है वो किस तरीके से आपने यहाँ पर पूरा किया है। और आप देख सकते हैं पूरी तैयारियाँ यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है, तकरीबन और तैयारियाँ यहाँ पर हो रही हैं। और इस तालुक से हम बात करेंगे अब्दुल रहीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तमाम एनआरसी के कल के प्रोग्राम की आज मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कल इस प्रोग्राम में एनआरसी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे अदबन गुजारिश है कि कल अजीमुशान जलसा है रहमतुल आलमीन जो अहमदाबाद के अंदर रखा गया है, आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि जलसे में आकर इस जलसे को कामयाब करिए। और इसको मुखातिब कर रहे हैं नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। कल ये प्रोग्राम 6:30 बजे से स्टार्ट होगा, रात में 10 बजे खलास हो रहा है। और एक मरतबा मैं तमाम हमनाबाद चुड़गुप्पा राजेश्वर बच्चों कल्याण बिदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम तालुके और तमाम गांव देहात पुरों से अपील है कि इस जलसे के अंदर तमाम बिरादरान इस्लाम को गुजारिश है कि इस जलसे में आइए, इस जलसे को आकर इस जलसे में रहकर सवाब दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों ने अभी सुना कि कल्याण कर्नाटका के जो इंचार्ज हैं अब्दुल रहीम, वो हमारे से बात कर रहे थे। और उनका कहना ये है कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जितने भी लोगों के पास हमारी आवाज़ आ रही है, उन सबके से रिक्वेस्ट की जा रही है कि कल इस जलसे में आप लोग जरूर शिरकत करें। और ये जो जलसा है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जा रहा है हमनाबाद में, तो आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं हमनाबाद के टाउन के सदर यहाँ पर हमारे साथ, ये यासीन अली माकर मौजूद है हमनाबाद के टाउन। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद यासीन अली सदर सीरत मरकजी सीरत कमेटी और टाउन MIM का। मैं तमाम शहरिया ने हमनाबाद और ख़ासकर इस हैदराबाद कर्नाटक के रीजन के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि इस माह मुबारक यानी रबी अव्वल के महीने की मुनासिबत से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो जलसा अजीमुशान जलसा मुनक्किद किया जा रहा है, इस जलसे को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब खिताब फरमाएंगे। मैं तमाम हमारे जितने भी भाई हैं हमवतन लोग हैं उनको जो है ये मैसेज दे रहा हूँ कि आप कल आइए और आकर हमारे बैरिस्टर नकीब मिल्लत को इस खिताब करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो जलसा रखा गया है उसको खिताब करेंगे। और इसमें मुकामी उलमाए कराम भी आएंगे, आपको उनके भी खिताबात सुनने को मिलेंगे। मैं एक बार फिर NRQ24 से आपके माध्यम से सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल आप ज़्यादा से ज़्यादा कसीर तादाद में आकर इस जलसे को कामयाब बनाइए। ये जलसा क्या टाइम पर रहेगा? ये जलसा 6:30 बजे स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। जो कल मुकामी जो भी उलमाए दीन है उसको पहले मुखातिब करेंगे, उसके बाद 7:30 बजे कायदे मोहतरम नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे। और मैं और एक गुजारिश कर रहा हूँ कि हम तमाम पार्टी के लोगों को इसके अंदर मदद किए हैं, इसको इसमें इनवाइट करें हैं। तमाम जो लोगों को हम इनवाइट नहीं कर सके वो लोगों से भी गुजारिश है कि इस प्रोग्राम में आकर इस प्रोग्राम को कामयाब करें। अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम इसे जो स्टेज का है, स्टेज का तकरीबन काम करीब हो चुका है, बाकी के ये ओपन प्लेस रखे हैं। इसलिए ओपन प्लेस रखे हैं कि ये हम कंपेयर करने से तकरीर के अंदर और पब्लिक देखने में मज़ा नहीं आ रहा था, इसीलिए हम रहमतुल्लिल आलमीन का जलसा है उसका इसको ओपन रखे हैं। इंशाल्लाह आप कुछ ही देर में यहाँ पे चेयर वगैरह भी डालेंगे इंशाल्लाह। हमारे को ऐसी उम्मीद है कि इस ग्राउंड में पूरी ग्राउंड पूरा फुल होगा, ऐसी उम्मीद है हमारे।
जैसे कि आप सब सुन रहे थे कि अभी अभी अब्दुल रहीम साहब का कहना यह है कि इनको उम्मीद है कि कल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ही कसीर तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और बहुत ही बड़े पैमाने पर यह जलसे को मुनक्किद किया गया है। रहमतुल आलमीन हुजूर की शान में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में इस जलसे को मुनक्किद किया गया है, और इस जलसे के जो मेन सदर, जैसे कि मेन मेहमान हैं, चीफ गेस्ट हैं, हम आपको बता चुके हैं कि ऑल इंडिया मजलिस जमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब यहाँ के चीफ गेस्ट हैं, और कल बहुत सारे उलमाए दीन भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जलसे में शिरकत करें और इस जलसे को कामयाब बनाएं। और इसी तरह हम आपके सामने से सही दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले रिज़ल्ट का। हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।